साल 2024 में सफर फिल्म के साथ वापसी करेंगे बड़े पर्दे पर सनी देओल फिल्म की शूटिंग से एक वीडियो हुई सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल तो दोस्तों इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल के फैंस कितने ज्यादा हैं क्योंकि जिस तरह से फैंस ने गदर गरटू फिल्म को पसंद किया था वो वाकई में काफी लाजवाब था वही अब ऐसे में जो जो फैंस सनी देओल की किसी बड़ी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो उनको बता दें कि सुपरस्टार सनी देओल सफर टाइटल नाम की एक फिल्म में अपने फैंस को नजर आने वाले हैं जी दोस्तों ये फिल्म में एक, एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें सनी देओल काफी लंबे वक्त के बाद एकदम बिल्कुल कड़क और शानदार किरदार के साथ बड़े पर्दे पर फाइनली वापसी करेंगे और इसी के साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफर फिल्म में बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान भी एक छोटा सा कैम्यू करते हुए नजर आएंगे जो की तकरीबन पाँच से आठ मिनट के बीच के आस का रहने वाला है वहीं बात करें कि सनी देओल के डाई हार्ट फैंस को ये फिल्म कब तक देखने को मिल जाएगी तो साल 2024 ही वो साल रहने वाला है जिसमें ये शानदार फिल्म में रिलीज होगी वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग से भी सनी देओल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी जिसमे ऐसा देखने को मिल रहा था की सनी देओल शराब की हालत में मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो की पूरी तरह से एक फेक वीडियो है क्योंकि ये वीडियो सफर फिल्म का एक सीन का हिस्सा रहने वाली है फिलहाल अब इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा ये देखना वाकई में काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला है फिलहाल सफर फिल्म की ओर से कई और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ